जय माता दी। दोस्तों आज हम आपको जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित श्री देवी तालाब मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। गाइस अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो चलो एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। सबसे पहले हम आपको सरोवर में स्थित मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर में माता सरस्वती, माता दुर्गा और माता लक्ष्मी जी का निवास है, साथ ही माता की अखंड ज्योत के भी दर्शन कर सकते हैं आप। अब हम यहां से मां त्रिपुल मालिनी जी के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस मंदिर का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पर माता सती के शरीर का एक अंग गिरा था। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर माँ काली जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस पंक्ति में 3-4 माननीय मंदिर भी है। इसके साथ ही श्री राम मंदिर और उसके साथ श्री महाबली हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। यहाँ से होते हुए अब हम श्री सलासर बालाजी धाम के दर्शन करते हैं। अब हम माता श्री वैष्णो देवी जी की गुफा में जा रहे हैं। इस गुफा के अंदर माँ वैष्णो जी की पिंडी रूप में बने मंदिर के हम दर्शन करते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही भैरव बाबा का मंदिर है, जिसके दर्शन करना भी अत्यंत जरूरी है। दोस्तों अब हम श्री अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। यह गुफा बहुत ही प्राचीन गुफा है। यहाँ से दर्शन करने के उपरांत हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर आपको भगवान भोलेनाथ के एक और इच्छा पूर्ण मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। अब हम इस मंदिर के साथ बनी हुई पार्क की ओर चलते हैं। इस पार्क में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों का प्रबंध है। गाइस, ये व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।